गौतम और उनके शिष्य लगातार एक गांव से दूसरे गांव और एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। वे जहां भी जाते थे उनके साथ कम से कम 2 से 3 हजार भिक्षु होते थे। ये सभी वो लोग थे जो भीख मांगकर खाते थे। भारत एक ऐसी संस्कृति है जहां यदि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है और भोजन मांगता है, भले ही आपके अपने बच्चों ने नहीं खाया हो तो आपको पहले उसे खाना देना होगा। जब लोग ऐसे थे तो हर बार जब वह 2-3 हजार भिक्षुओं के साथ किसी शहर में प्रवेश करता था तो अचानक ग्रामीणों पर दबाव बन जाता था। इसलिए उसने नियम बनाया कि वे किसी भी स्थान पर 3 दिन से अधिक न रुकें ताकि लोगों पर बोझ न पड़े। केवल मानसून के दौरान जंगलों के माध्यम से पैदल यात्रा करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में भारी बारिश होती है। जंगलों से होकर गुजरना जोखिम भरा होता और कई लोगों की जान चली जाती। इसलिए यह वह समय था जब वे एक बड़े शहर में रहते थे और कई घरों में फैले हुए थे। दिन के समय भिक्षु भिक्षा के लिए बाहर जाते थे। आनंद तीर्थ भिक्षु का सामना एक वैश्या से हुआ। उसने उसे भिक्षा दी, उसकी ओर देखा। वह एक लंबा और सुंदर युवक था और बोली, मैंने सुना है कि भिक्षु आश्रय की तलाश में है, तुम मेरे घर आकर क्यों नहीं रहते? आनंद तीर्थ ने कहा, मुझे महात्मा बुद्ध से पूछना चाहिए कि मुझे कहां रहना चाहिए। वह सचमुच चिढ़ने लगी, ओह, तुम अपने गुरु से पूछना चाहते हो? जाओ और उससे पूछो, देखते हैं वह क्या कहते हैं। आनंद गौतम के पास वापस गए और जो कुछ उन्होंने एकत्र किया था उसे उनके चरणों में रख दिया। हर किसी से अपेक्षा की गई थी कि वे जहां भी जाएं उन्हें भोजन और आश्रय मिले। तो आनंद ने पूछा, ये महिला मुझे आमंत्रित कर रही है, क्या मैं वहां रह सकता हूं? गौतम ने कहा, यदि वह तुम्हें आमंत्रित कर रही है तो तुम्हें अवश्य जाना चाहिए और वहां रहना चाहिए। यह सुनकर आसपास मौजूद नगरवासी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, क्या एक साधु किसी वेश्या के घर रुकने वाला है? यह बात है, यह आध्यात्मिक प्रक्रिया भ्रष्ट हो गई है। गौतम ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? महिला उसे आमंत्रित कर रही है, उसे वहीं रहने दो, समस्या क्या है? लोग उठने लगे। उन्होंने कहा, रुको, मैं इस रास्ते पर हूं क्योंकि मैं देखता हूं कि यह जीने का सबसे कीमती और शक्तिशाली तरीका है। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि उसके तरीके मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं? अगर यह सच है तो मुझे जाकर उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। एक सच्चे साधक के रूप में ऐसा ही होना चाहिए। यदि आपको कुछ इससे भी बेहतर मिलता है तो आपको उसे अपनाना चाहिए। लोग असमंजस में थे और निस्संदेह बहुत से लोग चले गए। आनंद उसके पास जाकर रहने लगा। बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई। उसने केवल एक पतला वस्त्र पहना हुआ था, इसलिए उसने उसे एक अच्छा रेशमी आवरण दिया। उसने खुद को उससे ढक लिया। जब लोगों ने यह देखा तो उन्होंने इसे इस बात का प्रमाण समझा कि वह भटक रहा था। उसने उसके लिए अच्छा खाना बनाया व उसने खाया। शाम को उसने उसके लिए डांस किया। वह बड़े ध्यान से बैठा देखता रहा। जब लोगों ने संगीत सुना तो उन्हें लगा कि वह गिर गया है। वक्त निकल गया। जब बारिश रुक गई और आगे बढ़ने का समय हुआ तो आनंद एक महिला साधु के साथ गौतम के पास आए। यह सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।